नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर नई आभा के साथ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। पूर्व में यहां गुंडा टैक्स एवं रंगदारी वसूली की जाती थी। गरीबों की संपत्तियों, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर गुंडे माफिया सत्ताधारी दल के लोग कब्जा कर लेते थे, जबकि आज यूपी पूरी तरह से अराजकता से मुक्त हो चुका है। यहाँ बिना भेदभाव हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। सुरक्षा का माहौल बनने से उत्तर प्रदेश के प्रति सबकी धारणा बदली है। देश दुनिया के निवेशक यूपी में निवेश के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए सुरक्षा और शांति अत्यंत आवश्यक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में रिफॉर्म के अनेक कार्य हुए हैं। आज वैश्विक बाजार पूरी तरह भारत के लिए खुला हुआ है। इन सबका सकारात्मक प्रभाव प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारी बंधु वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ खुद को कमल के फूल से चुनाव से निशान से जोड़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतः स्फूर्त भाजपा के समर्थन में उतावले रहते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा कि नगर निकाय तीसरा सदन होता है और इसके चुनाव की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार का पैसा धरातल पर उतारने का काम निकायों को करना होता है। निकायों में अच्छा बोर्ड बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, एक सुंदर वातावरण बनेगा। यदि इसमें गलत लोग चुने जाएंगे तो पैसों का बंदरबांट होगा। जनता को बिना भेदभाव सुविधाएं उपलब्ध हो, इजी ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त हो, इसके लिए भाजपा का बोर्ड बनना होगा। डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन सरकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव में महापौर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश के लिए आज मैं स्वयं आप लोगों के बीच अपील करने आया हूं। सभी व्यापारी बंधु स्वयं को डॉक्टर मंगलेश का प्रतिनिधि मानकर चुनाव अभियान से जुड़ें। अपने संगठनों के साथ अलग अलग बैठक करें। मोहल्लों में संगठन की तरफ से भाजपा के पक्ष में होर्डिंग लगाएं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक विपिन सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजदानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वर्तमान महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, व्यापारिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बारे में आप सब व्यापारी मंडल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनकी बारिश कुछ कहें वो सूर्य को दीपक दिखाना है। पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न है, क्योंकि व्यापारी मंडल, व्यापारी उद्योगपति आप लोगों के साथ कई परिवार को रोजगार मिलता है, आप लोग सुरक्षित हैं तो वो जिला सुरक्षित। और महाराज जी की यही मंशा रहती है आज से नहीं पहले दिन से, क्योंकि आप लोग मुझे महाराज जी के साथ कई सालों से आप लोगों ने उनको पांच तो हमने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, तो महाराज जी की कार्यशैली से आप जानते हैं। आज आपका बिजनेस देखिए, आज गोरखपुर में वो कपड़े व्यापारी हो या मेडिसिन में हो या छोटा खुदरा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो या इम्पोर्टर हो या होलसेलर हो, सब लोग बड़े सिक्योर हैं। देखिए हम भी दुनिया घूमे हैं, दुनिया देखे हैं, दुनिया जानते हैं, पूरा वर्ल्ड घूम के मैं गोरखपुर आया। अब मुझे महाराज जी का धन्यवाद, गुरु गोरक्षनाथ महाराज का धन्यवाद, उनका आशीर्वाद बना कि हम आप लोगों ने आप लोगों को मिलकर लाहौर से जीता है। हम भी दुनिया देखे हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, रोजगार इंडस्ट्री क्रिएशन हमने की थी, पर लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिलता और मेरी दिमाग की उपस्थिति मिला। आज सुरक्षा व्यवस्था जब होती है तो माँ बहन बेटी के साथ बिजनेसमैन उद्योगपति होता है वो अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता है, उसका जान माल की रक्षा होती है। कोई रंगदारी वसूल करने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं, कोई धमकाने वाला नहीं। अपन दुकान खोल दी है, अपना बिजनेस कर लिए, अपनी गाड़ी खरीदी। हमें गोरखपुर में पहले शूटिंग करने आते थे 2003 में 2004 में, तो यहाँ पे व्यापारी लोग अपनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीदते थे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अंजू जी पुर में रहते हैं, उनके घर पे हम शूटिंग किए, विक्रम हमारे पुराने मित्र विक्रम चौधरी जी, और यहाँ पे सारे नाम काफ़ी बड़े सारे दिग्गज यहाँ पर हैं जो गोरखपुर की शान है। आप लोग गोरखपुर जिसके लिए आप लोगों की वजह से जाना जाता है, मैं सूरत में आप लोगों से कनेक्टेड या कलकत्ता जाता हूँ, इमामी वालों के साथ काम करता हूँ,
सब लोग आपके बारे में बताते हैं कि कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं और खानदानी लोग हैं सर आप लोग, तो आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, आप लोगों की जान माल की रक्षा, आप लोगों के प्रति एकदम बारीकी से सोच मुझे महाराज जी थी, वही महाराज जी को आज पूरे देश में सबसे चर्चित मुख्यमंत्री बनाया है। आज प्रदेश में 25 करोड़ की अपने आप में एक देश है, इसको चलाना हम एक परिवार नहीं चला पाते, एक प्रदेश को चलाना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत दिमाग, बहुत जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और कानून व्यवस्था को लागू करना और डर भय नहीं रखना, क्योंकि पूरे सुना तो आप लोग सब बहुत अच्छा समय, बस हाथ जोड़ के पूरे व्यापारी मंडल से निवेदन, राम राज्य का सब लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पिताजी भी कर रहे थे, वो अभी चले गए स्वर्गीय हो गए, प्रभु राम का मंदिर हम सब लोग बचपन से चाह रहे थे, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, राम राज्य इसी को कहते हैं जहाँ माँ बहन बेटी सुरक्षित हो, अंदर व्यापारी वाले सुरक्षित हो, आपका घर सुरक्षित हो, आपकी बेटी स्कूल जा पाए, आपका बेटा स्कूल जा पाए, बुढ़े बदमाश ना हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य का मतलब यही था, प्रभु राम अयोध्या में थे तो इसी तरह राम राज्य चलता था, वो समय है, इसको होना भी बहुत बढ़िया है। और पहली बार गोरखपुर की धरती पर एक डॉक्टर, एक चिकित्सक के रूप में, वेरी वेल नोन पैथोलॉजिस्ट पहली बार ये है, तो ये बहुत सुंदर बात है, एक वेल एजुकेटेड मैन यहाँ पे एक हाईटेक सिटी बनने को, जो महाराज जी का सपना है इसको हाईटेक सिटी बनाए और वर्ल्ड क्लास लेवल पे, और जो बन रहा है वो आप यहाँ देखिए, अभी फिल्म सिटी की भी रचना होने जा रही है, और रामगढ़ झील है, ये सब कुछ अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और हमारे राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्य यहाँ पे डॉक्टर मां अग्रवाल जी भी हैं, दादा मोहन जी भी हैं, एवरीबडी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो बहुत ही डायनेमिक इंसान है, बहुत सज्जन व्यक्ति आजमगढ़ से हैं, वो हमारे साथ, तो सारे लोग हैं और अनगिनत नाम है, मैं नाम यहाँ पर के ऊपर मैं सबको सम्मान के नाथ दूसरा जी, प्रकाश जी, पवन प्रभु, मोदी जी, उमेश मदसिया जी, मनीष चौधवसिया जी, राजेश निवानी जी, योगेंद्र भाई जी, अभिषेक शाही जी, भोला रानी जी, गणेश वर्मा जी, ऑल द रिलेटिव नेम और महाराज जी भी आगे लेके सबका बहुत मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अब मुझे महाराज जी बस एक ही मिनट में, दो या दो मिनट में महाराज जी पहुँच गए महाराज जी, आगे चल दे मंदिर से निकल गए, तो हम यह कह सब लोगों से कि बहुत बढ़िया मौका है, 4 तारीख को फिर से आप हाथ जोड़ करके निवेदन, जो आप लोगों ने 2018 में शायद गोरखपुर ने गलती की थी, उसको उस दिन छुट्टी समझा था, और पहली बार गोरखपुर ने गैर भाजपा कोई यहाँ पे प्रत्याशी को जितवाया, वो मौका नहीं मिला, 4 तारीख को सब लोग एक एजुकेटेड डॉक्टर के लिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ना, एक वेल नोन महाराज जी हजारों करोड़ का काम कर रहे हैं और हजारों करोड़ का काम यहाँ होने जा रहा है, तो एक डॉक्टर साहब आएंगे उसको बहुत ध्यान से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारा शहर एक बहुत ही सुंदर शहर बनेगा, और वो डेवलप करें, अपने अपने जो स्टाफ हैं उनको भी बोलें, वो लोग भी जाएं, परिवार से ज़्यादा लोग वोटिंग करें उस दिन, हम लोग चाहते हैं कि 80 में से अगर 2-3 सीट खाली दूसरों को जाए चलेगा, बट हमारा टारगेट है कि महाराज जी का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, ये डबल इंजन को इस बार ट्रिपल इंजन बनाना है और आप लोग को इसको आगे लेके जाना है, हम सबका दायित्व है। इस शहर को एक बहुत ही क्लीन सिटी, ऑर्गेनाइज सिटी, ट्रैफिक में भी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में देखिए, रोड्स में देखिए, बिजली में देखिए, एवरीथिंग इज वेरी हाईटेक, हर चीज बहुत हाईटेक, वही 1 विंडो क्लियरेंस हो रहा है, गोरखपुर में रहना भी सोचिए, जमीन की कीमत 12-13 हज़ार रुपये तारामंडल में चल रही है, आसमान छू रहा, अगर किसी के पास बित्ता भर भी जमीन आज वो राजा की तरह, इट नेवर हैपेंड बिफोर, कभी नहीं हुआ, लखनऊ से भी ऊपर जमीन की कीमत यहाँ जा चुकी है, अभी और जाएगी, जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ ये बहुत आगे बढ़ेगा, गोरखपुर एक राजधानी के दर्श में तैयार हो गया, आज गोरखपुर में रहना अपने आप में गर्व की बात, आप किसी से भी कहेंगे कि मैं गोरखपुर वासी हूँ, 14 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, आप ड्रीम कभी 5-स्टार होटल की तरह ये रेलवे स्टेशन बनने एग्जैक्टली लाइक 5-स्टार होटल, पूरा मॉल से लेकर एवरीथिंग उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इतना कुछ यहाँ पर होने वाला, ये सारे वायर जो छूटते हुए कहीं गुच्छे दिखाई दे रहे हैं सब जमीन के अंदर जाएंगे, पानी की समस्या जल जमाव की भी 80% खत्म हो गई, आप लोग देख रहे हैं जो बड़े तरीके से जमा होता था वो भी महाराज जी ने ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि आने वाले समय में इस बरसात में आधा एक घंटा कहीं पानी लगेगा, इंसेफ्लाइटिस से लेके बीमारी से हर चीज़ से क्लियर, अभी पोल्यूशन फ्री के लिए इलेक्ट्रिक बसें हो रही है, अभी
महाराज जी का प्लानिंग है कि पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार्स को कंपलसरी कर दें। सो द पॉल्यूशन फ्री गोरखपुर एक सुंदर गोरखपुर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल आर्किटेक्चर वाला गोरखपुर होगा, जहाँ पर रहना भी एक सपना होगा लोगों का, जिस हिसाब से हमको दिखाई दे रहा है कि गोरखपुर में रहना भी एक सपना होगा, एक ड्रीम सिटी की तरह है, उसमें मदद करिएगा। ये चार का चुनाव सीधे लोकसभा के चुनाव से को अटैच हो जाए, जो मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का बन। तो हम लोग किसी को गलती करके विरोधी को नहीं जिताना है, विपक्षियों को एक सीट भी नहीं जाने देना है कि हमने देखिए गोरखपुर में क्या किया। गोरखपुर महाराज जी का गढ़ है, गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती है, भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, तो भाजपा इसके लिए अब बड़ा गर्व महसूस करती है। भाजपा के लिए गोरखपुर सिटी एक हार्ट है, उसमें हम लोगों को भी सम्मान देना है। बस हम लोगों को क्या ये सारी चीज़ों के साथ ऋण ये चुकाना है कि भाजपा को जीता, क्योंकि मोदी योगी यही दो व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जिनके ऊपर एक कलंक नहीं, एक दाग नहीं, करप्शन का दाग एक दाग नहीं, हिम्मत नहीं किसी की कि बता दे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक दाग है या पूज्य महाराज जी पर एक दाग है। निस्वार्थ त्यागी और ऐसे लोग सदियों के बाद अवतरित हो गए, राम राज्य इसमें मौका नहीं छूटना है, नहीं तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को मुंह नहीं दिखा पाए कि राम राज्य रहा हम खो दिए वो अपने हाथ से, हम राम राज्य का हमें वैल्यू नहीं समझा। रामराज के हम लोग चिल्लाकर रामराज चाहिए रामराज चाहिए रामराज आ गई बात, ये रामराज का भी सहारा हमनी लोगन के काम बा, कैसे सहारा जाए ये हमनी लोगन का दायित्व बा, ना तो आए वाला पीढ़ी हमनी के कभी माफ ना करे। ये बहुत सोचे वाला और चिंतन वाला समय बाटे, जब पूरा सरकार झोंक दे ले बा अपने आप के, ये रउआ लोग खातिर पूरा सुरक्षित रहे, कोनो भी समस्या चिंता एक माथे पे शिकर ना आए, उद्योगपति हो परिवार हो बाल बेटी बच्चा हो डॉक्टर हो एजुकेशन हो एवरीथिंग, फर्टिलाइजर टू एम्स टू एवरीथिंग इज हियर। अभी एक बेटियों के लिए भी विश्वविद्यालय बन रहा है, आज हम एक लेटर दिए थे, आज का अखबार खोले, अभी वेटनरीज के लिए कैंपेन लगे सजेवा में, दो क्लिनिक अभी खुलने जा रहे फॉर द एनिमल्स। So this kind of thing, अनगिनत चीजें हैं। आपने देखा गडकरी साहब ने हमारे लेटर पे 2650 करोड़ रुपए दिया पूरा रिंग रोड के लिए, तो ऐसे 14 करोड़ रुपए तो उन्होंने गरीबों को अपने हाथ से बांटा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलाज का दिया हुआ मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 करोड़ रुपया, और क्या ऐसे कितने लेटर इतने काम हुए आप सोच नहीं सकते, और कितने काम होने वाले हैं, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे पता है कि क्या क्या काम और होने वाले हैं शहर। ये तो आप 50% देख, अभी 50% और काम बाकी, तो आप लोग इंतजार करिएगा। एक सुंदर गोरखपुर, एक गर्व वाला गोरखपुर, एक ऐसा गोरखपुर जहां पे आपको गर्व होगा, आपके बच्चों को गर्व होगा, हम लोग अपना आधा जीवन जीने, अब हम लोग एक ऐसा शहर एक ऐसा राज्य एक ऐसी सरकार परिपक्व देके जानी है अपने बच्चों के लिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि एक नया भारत बने जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य योगी महाराज सोच रहे, राष्ट्र स्वर पर यही हम लोगों का नारा है। हम लोग का कोई स्वार्थ नहीं होगा, अपने आप को झोंके रहे, एक नया प्रदेश बने, नया देश बने, एक विश्व गुरु की तरफ। ऐसे कितने लेटर्स इतने काम हुए आप सोच नहीं सकते, और कितने काम होने वाले हैं, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे पता है कि क्या क्या काम और होने वाले हैं शहर। ये तो आप 50% देख, अभी 50% और काम बाकी, तो आप लोग इंतजार करिएगा। एक सुंदर गोरखपुर, एक गर्व वाला गोरखपुर, एक ऐसा गोरखपुर जहां पे आपको गर्व होगा, आपके बच्चों को गर्व होगा, हम लोग अपना आधा जीवन जीने, अब हम लोग एक ऐसा शहर एक ऐसा राज्य एक ऐसी सरकार परिपक्व देके जानी है अपने बच्चों के लिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि एक नया भारत बने जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य योगी महाराज सोच रहे, राष्ट्र स्वर पर यही हम लोगों का नारा। हम लोग का कोई स्वार्थ नहीं होगा, अपने आप को झोंके रहे, एक नया प्रदेश बने, नया देश बने, एक विश्व गुरु की तरफ।
शासन के स्तर पर जो पैसा आएगा उसको जमीनी धरातल तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का, जमीनी धरातल का कार्य अगर किसी को करना है तो हमारे स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, नगर निकाय की संस्थाओं को करना होता है। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे, और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो बंदर बांध हो जाएगा। बंदर बांध से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके, उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ हर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके, इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। योजना एक समय था जब शहरी क्षेत्र में बहुत योजनाएं थी, मैं स्मार्ट सिटी की थी, अमृत की थी, ना आवास योजना की थी, ना स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की योजना थी, ना स्ट्रीट वेंडर की कोई योजना थी, सिटी सर्विलांस की भी कोई योजना नहीं थी। आज नए प्रोजेक्ट्स में हमारे शहर भी मॉडल क्लास सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने, सेफ सिटी बने, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने देश के अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा, उसमें से 10 यूपी के, 7 अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर किसी भी व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ था, हमने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन का गठन किया और बाकी 7 को हम लोगों ने अपने साथ लेकर के सभी 17 नगर निगमों को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहन में डेवलप कर रहे हैं, उन पर कार्य हो रहा है। वहां पर IEEE इंडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के साथ ही सिटी सर्विलांस सिस्टम को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, स्वास्थ्य की सुविधा और स्वच्छता के कार्यक्रम को उसके साथ वहां से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था, यानी एक सिस्टम से हम शहर को स्वच्छ भी बना ले रहे हैं, सिटी की सर्विलांस सिस्टम को भी अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर रहे हैं और स्वच्छता की व्यवस्था को भी वहां से मॉनिटर करने का कार्य किया जा रहा है। यानी कार्यक्रम ये है, अच्छे बोर्ड गठित होने का परिणाम क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर किया जा सकता है। आज गोरखपुर में लगभग 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, आने वाले समय में मेट्रो की ओर भी बढ़ेगी, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां रोपवे की भी व्यवस्था करेंगे, जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी हमें समय के अनुरूप चलना होगा। पहले गोरखपुर की सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी, आबादी कम थी, आबादी बढ़ी डबल लेन करने का बड़ा प्रयास किया गया, आज 4 लेन की सड़कें महत्वपूर्ण मार्ग 4 लेन के बने, व्यवसाय बढ़ रहा है, उसके रूप हमें भीड़ को देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए उस प्रकार की सुविधाएं मिलनी पड़ेगी, ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा, मल्टी लेवल पार्किंग बन रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, और इन सभी के लिए आवश्यक है अच्छा बोर्ड गठित हो, गोरखपुर नगर निगम हो या अगल बगल के जितने भी नगर निकाय हैं इन सब में। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वैसे भी आप स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसके साथ लगे हैं, लेकिन ये कठिन होता है, हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से
प्रत्याशी बोले तब मैं चुनाव प्रचार करूंगा। कठिन होता है एक व्यक्ति को तत्काल बोला गया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव में नामांकन की तैयारी, फिर नामांकन के अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने और संपर्क की बात आई तो ये कठिन होता है कि 10 से 12 लाख की आबादी के बीच में कोई व्यक्ति जाकर के एक घर से एक व्यक्ति से बातचीत करके उसे अपील कर सके, बहुत कठिन है। इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम सम्मेलन, और इसीलिए मैं स्वयं भी आपसे मीट करने के लिए आया हूँ। आप सभी डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि बनकर अपने मोहल्ले में अपने संगठन की बैठक स्वयं करके, अब ये भी समय भी बहुत कम है, 4 मई को पोलिंग होना है, आज 29 हो गई है, अब कितना दिन रह गया, 2-3 दिन यानी 4-5 दिन का समय बचा है, 4-5 दिन के अंदर अपने अपने संगठन की दवा विक्रेता संघ अलग से अपना बैठक करे, चेंबर ट्रेडर्स अपनी बैठक अलग से कर ले, कपड़ा व्यवसायी संघ अलग से अपनी बैठक कर ले, अलग अलग संगठन अलग अलग किराना कमेटी अपनी बैठक अलग से कर ले, और अलग अलग बैठक करके सब जगह से प्रस्ताव पारित करके अपने मोहल्ले में अपने संगठन की तरफ से एक एक होर्डिंग प्रत्याशी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अगर आपकी तरफ से लग जाता है और चुनाव के लिए मतदान करने के लिए तैयार विश्वास हमेशा खत्म होता है। और दूसरा, 4 मई को नेपाल जाने की भूल मत बॉर्डर सीट रहेगा, उस दिन प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक केवल आपका फोन, पहले स्वयं मतदान करना और फिर फोन का उपयोग करके एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए यह जिम्मेदारी आपको मैं सौंप रहा हूं, संयुक्त व्यापार मंडल और विभिन्न व्यापारिक संघ। ऐसा नहीं कि जौहर मसूदन की तरह आप दाल खरीदने में नागपुर से मिल जाए, आप देख रहे होंगे 90 साल की उम्र में सीताराम जी कितने जोश करो से बोल रहे थे। तो इसलिए यदि आप सबसे अपील होगी कि चुनाव एक उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव है, कितनी बड़ी बात है, लोकतंत्र में सबको एक समानता का अधिकार है, एक वोट एक कीमत पर हर एक वोट, और एक एक पोलिंग बूथ पर जाना है, न जाति न पंथ न संप्रदाय न मत न मजहब, न छोटा न बड़ा, न महिला न पुरुष, एक ही वोट पर हर व्यक्ति जाएगा, हर एक के वोट की एक कीमत, ये लोकतंत्र की ताकत है, और इस ताकत का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से सकारात्मक दिशा में अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के, और इसी दृष्टि मेरी आप सबसे चार मई को तब उत्सव के साथ इसका एक प्रमुख आयोजन होगा। इन सब के लिए भी मैं अपील करूंगा कि वहां पर व्यापार मंडल वहां पर भी बैठक करके सबसे कहें, क्योंकि देखो अब कोई निर्दल लड़ करके या किसी अन्य पार्टी से करके क्या करेगा, तब केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी की है, सुरक्षा और सुविधा की सारी व्यवस्था तो सरकार को देनी, अकेले व्यक्ति जीत के कर क्या पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वोट में कोई निर्णय नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छा होगा ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जो निर्णय भी ले सके और जिसकी मॉनिटरिंग भी हो सके, बेलगाम ना हो कोई व्यक्ति, और अगर पार्टी कर सकती हो भाजपा कर सकती हो, भाजपा इस पार्टी अन्यथा कोई निर्दल बन जाएगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो फिर कभी सकल ही नहीं दिखाएगा, क्या मतलब है उसका, भाजपा
एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्या का समाधान करने का वादा भी रखती है। संगठन भी है, जनप्रतिनिधि भी है, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और इससे हर एक जगह, हर नगर निकाय में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और बोर्ड बनाने के बाद जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिली। जी आपने देखा होगा गोरखपुर सिटी में जल जमाव कितनी भीषण समस्या है। विगत वर्ष 6 महीने पहले हम लोग जिस दिन लगातार 48 घंटे तक बारिश पड़ रही थी उस दिन मैं गोरखपुर में था और जल जमाव नहीं हुआ। मैं गीता प्रेस रोड पर किराना मंडी में मैं कई बार गया हूं बरसात के दिनों में, जब एक घंटे की बरसात में 3-3 फुट पानी मैंने लगते हुए देखा। जल जमाव के कारण एक बार जवाहर यशोदर के गोदाम में ही पानी भर गया था, तो 500 बोरा दाल खराब हो गया था, 500 बोरा दाल खराब हो गया था। और 500 बोरा दाल खराब होने के बाद मैं सोचता था इस व्यक्ति को कष्ट होगा, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको आपका बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा नुकसान हुआ है, बाद में पता लगा कि उसी को दूसरी दाल में बेच कर देते थे। आय पर भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर बढ़ा है और इस दिशा से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले की स्थितियां थी, गुंडा बैंक वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। कानून का राज रहेगा, कानून का राज है तो कानून के राज का मतलब बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होता है। और आपने देखा होगा, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदल गई। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो निवेश का इच्छुक हो और उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से न देखता। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, निवेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए ही आया हूं। अब हमेशा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उपाय दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देखते हैं। आने पर भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर बढ़ा है और अगर इस दिशा से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले की स्थितियां थी, गुंडा बैंक वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी,
व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। कानून का राज रहेगा, कानून का राज है तो कानून के राज का मतलब बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होना है। और आपने देखा होगा, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली गई। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो निवेश का इच्छुक हो और उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से न देखता हो। ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, निवेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए ही आया हूं। अब हमेशा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उपावली दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देखते हैं। लेकिन तीन तीन फुट पानी मैंने देखा था और इस बार जिस दिन लगातार 48 घंटे बारिश थी, मैं स्वयं गोरखपुर में था, मैं देख रहा था। और अब तो आपने देखा होगा जहां जहां भी व्यवस्था सब कम बेहतरीन तरीके से, एक तो नाले बंद हो रहे हैं, मच्छर की समस्या का समाधान, रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी एक बेहतरीन पर्यटन केंद्र के साथ साथ परिवार के साथ घूमने की अच्छी व्यवस्था। और तीसरा, बड़े बड़े नाले फिर से बनाए जा रहे हैं, जैसे गुड़दोहा नाला है, कोई आप देख रहे होंगे, नाला भी बनेगा, दोनों तरफ सड़क भी बनेगी, एक भी व्यक्ति को जाड़ेंगे नहीं, अगर किसी को जाड़ेंगे पूरा कंपनसेशन देंगे जिससे उसका पुनर्वास हो सके, कोई व्यक्ति अपने आप को। और सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान, हमेशा के लिए समाधान करें, जिससे आने वाले समय में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समाधान की समस्या न हो। आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट और गोरखपुर की सड़कों की जल्दी बेतरतीब नहीं है, एक जैसी, कहीं से आप देखेंगे कितना चमकता होता है। ये परिवर्तन ये है, अभी बहुत कुछ इसमें होना है, सेफ सिटी की दिशा में आगे बढ़ना। लोग कहें गोरखपुर सबसे सुंदर शहर है, स्वच्छ है, सुरक्षित है, सिटी के नाम पर पहचान बने सबके, और उसके लिए उस प्रकार का मोड़ देना, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग हमेशा सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़े हैं, इस बार भी उस सकारात्मक भाव के साथ अपना समर्थन सहयोग करेंगे। मैं यहाँ पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और श्री सीताराम जायसवाल जी को इसके यहाँ पर संयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के आज के सम्मेलन में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
आने से विधायक विपिन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सैजानंद राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष जैन जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, अनु किशोर अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजकत्व में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आज यहाँ पर एकत्र होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं व्यापार के लिए सुरक्षा और शांति अत्यंत आवश्यक है, उसकी पहली शर्त है। आज देश के अंदर एक विश्वास बढ़ा है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक रिफॉर्म हुए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ने से आज वैश्विक बाजार भी भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। व्यक्ति आय पर भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर बढ़ा है और अगर इस दिशा से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले की स्थितियां थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। कानून का राज रहेगा, कानून का राज है तो कानून के राज का मतलब बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होना है। आपने देखा होगा, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो निवेश का इच्छुक हो और उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से न देखता। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, निवेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए ही आया हूं। अब हमेशा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उपावे दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देखते हैं।